उसके लिए मैं आमंत्रित था वहाँ बोलने के लिए और मैं उस आमंत्रण पर आज हैदराबाद में हूँ और उस सभा में मैंने बहुत सारी बातें कही जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है और जो मंडल कमीशन रिपोर्ट से भी संबंधित है और इसलिए आज मैं हैदराबाद में हूँ और आपके समक्ष हूँ सर द मंडल कमीशन रिपोर्ट विच इज़ रिटर्न बाई योर ग्रैंड फादर डू यू एनी पर्सनल नॉलेज इन दैट इट वॉज अ डॉक्यूमेंट मेड इन नाइनटीन एट्टी सेवेंटी नाइन एट्टी द डॉक्यूमेंट वॉज प्रिपेयर देर वर फाइव सिक्स मेम्बर्स बीपी मंडल वॉज द चेयरमैन बीपी मंडल उस पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे उसके पहले भी एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था काका कालेलकर जो पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे उन्नीस सौ तिरपन में नाइनटीन फिफ्टी थ्री आफ्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गेव इज रेजिग्नेशन दैट नो स्टेप इज बिंग टेकन फॉर द अपलिप अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस तो नेहरू जी ने बाध्य होकर एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए जिसके अध्यक्ष काका कालेकर थे लेकिन उस रिपोर्ट को एक तरह से ठंडे बक्से में रख दिया गया क्योंकि काका कालेकर जो थे उन्होंने लिखा अपने ही रिपोर्ट में दैट आई डू नॉट एग्री विद दिस रिपोर्ट उसके बाद 20 इयर्स लेटर जब जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई और जनता पार्टी के गवर्नमेंट के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि वी विल अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस तो उसके लिए एक रिपोर्ट आना था मुरारजी भाई ने उस समय बीपी मंडल जो संसद सदस्य थे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड ही वॉज इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ जनता पार्टी विच वॉज इन पावर एट दैट टाइम he was given this responsibility and this exercise was done in 2 years and most of the members contributed a great deal but bp mandal had personal interest and he toured entire nation he came to hyderabad also. that is written in the commission report how the people general people member of parliaments and mlas in hyderabad had गिवन देर ओरल विटनेस एंड औरल सबिशन टू द कमीशन और इस तरह से रिपोर्ट एक ऐसा दुरुस्त रिपोर्ट बनाया गया जिसको जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन वन ऑफ द केसेस जो वैलिडिटी ऑफ मंडल कमीशन है कि नहीं तो उस केस में एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नाइन जज बेंच ने उस रिपोर्ट के एक एक पन्ने को देखा एंड दे हैड टू कम आउट विद द स्टेटमेंट दैट दिस रिपोर्ट इज़ थॉरली अ वेल रिटन डॉक्यूमेंट इट इज़ लीगली हंड्रेड परसेंट करेक्ट और फिर उन्होंने एक असंवैधानिक क्रीमी लेयर क्लॉज उस केस में एड किया जिसको आ, जो आ, जिस केस केज जजमेंट के बाद फिर मंडल कमीशन प्रभावशाली ढंग से लागू हुआ।